हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है 14th फेब और अभी मेरा पैकअप हुआ है, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं यहाँ पे। तो 14th फेब है, थोड़ा सा मैम को पैम्पर करना तो बनता है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, मुझे वक्त था नहीं, मैं सेट पे था, तो मैंने निक्कू को भेजा और मैंने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ लिया है जो उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद चाहिए था तो वो लिया है, तो अभी उसको देंगे। आई थिंक वो भी किसी काम से यहाँ पे ओबराई पे आई थी और अभी इत्तेफाक से मेरा पैकअप भी उसी टाइम पे मैच हो गया, तो दीपिका भी जो है वो वेट कर रही है ओबराई मॉल पे, तो वहाँ मैं उसको मिलूंगा, फिर वहाँ से घर जाएंगे साथ और फिर देखते हैं। चलिए यहीं से अभी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। दिन भर नहीं बना पाया, सेट पे नहीं वक्त मिलता है, सेट पे चीज़ें पॉसिबल नहीं होती कि मैं ब्लॉग निकालूँ, क्या निकालूँ समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ से शुरू कर दिया है। ठीक है, चलते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। सेम टू यू सर। निकू भाई, बस सर हमारा तरफ से दुआ है। तुम के पीछे आई ऐसे ही आपके साथ बैठने के लिए। ओके, हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। अभी देखो मुझ डफर को देखो, मैं रोज ही नहीं लाया। मुझ डफर को देखो, मैं भी रोज नहीं लाई। चल धन चल। मैं तो इस बार आपके लिए कुछ भी नहीं लाई। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। मैं पार्किंग लाइट बंद कर लो। अरे वाह। ओ अच्छा, ये ऐसे वाले हैं तो? ये तो और ये चुपते नहीं है पीछे, ये तो और अच्छा है। अच्छा, अरे पता है मुझे टाइम मिला नहीं, मैंने हाँ। भेजा निक्कू को। हाँ। निक्कू को भेजा और वहाँ तनिष्क मैंने बात करी। हाँ। मैंने कहा ऐसा ऐसा मुझे चाहिए कान के लिए, फिर वहाँ से वो मुझे फोटोज भेज रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं। कोई बात, आप वैसे कुछ नहीं भी देते तो भी चलता, पर ये बहुत ज्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज्यादा, और थोड़े बड़े भी है ना। हाँ। इससे पहले जो मेरे पास है वो छोटे हैं, एकदम छोटे टॉप्स। अच्छे, नाइस, माशाल्लाह, थैंक यू। हाँ, इसे फिट भी हो गए ना खाने में, तो प्यारे लगे। थैंक यू, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे आपको। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। और ये बड़ा वाला बुके जो है वो मैंने लिया है अम्मी के लिए। yes. अम्मी को भी वैलेंटाइन डे हम विश करेंगे, उनको फ्लावर्स वैसे ही बहुत पसंद है। हाँ। है कि नहीं? और फाइनली मैंने आपको भी एक रोज दे ही दिया। थैंक यू। तो चलो चलते हैं घर और अम्मी को विश करते हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे अम्मी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। डबल 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 बता रही है तो पापा ने बहुत। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने मुझे सुनने में आया, बुलाने आया, जल्दी चलो अंकल बुला रहा है एकदम। मैं घबरा आ गई, जैसे दुपट्टा हुआ जल्दी से गई, फिर देखा तो वहाँ सब कुछ रखा था, क्या क्या रेहान ने वीडियो बनाया देखना। वो मैं उसको ब्लॉग में डाल दूंगा, अपने सबको दिखा दूंगा, पापा ने क्या सरप्राइज प्लान किया आपके लिए, है ना? कुछ कुछ वर्टिकल में है, कुछ हॉरिजॉन्टल में है, आप दोनों देख लीजिएगा, क्योंकि पापा इतने क्यूट लगे। और पापा ने, ये शीतल का फीडबैक है कि पापा ने बहुत कॉन्फिडेंटली किचन में सब कुछ बनाया है, तो यू नो लाइक फादर लाइक सन। जैसे आपने भी जब पहली बार कुकिंग की थी तो हम सब बोल रहे थे ऐसा नहीं लग रहा कि पहली बार की है, तो पापा भी, शीतल कह रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पापा पहली बार बना रहे हैं। पहली बार देखा, पूरे सजाए रखे थे। हाँ। बस जाते जाते तो क्या क्या बनाया? उसमें वो मिल्क शेक था, फेल वो क्या था, भेल थी, और केक था, क्या था रिजल्ट, हाँ वो था, और सैंडविच था, बहुत सारी चीजें थी, मतलब सैंडविच अच्छा लगा। हाँ, सब बहुत अच्छा लगा, मतलब पहली बार जिंदगी में मेरे लिए इतना। हाँ। मेरे आंसू तक आ गए उसको देख के पापा को, कि पहली बार मेरे लिए इतना सारा किया और इतने सारे ये किया। फूल आपको पसंद है, आज वैलेंटाइन डे था, मैंने कहा चलो अम्मी के लिए ले चलते हैं। तो वो क्लिप्स भी मैंने, शीतल ने एक्चुअली शूट की थी जो दीपिका को सेंड करी थी, तो मेरे दिमाग में आया कि वो क्लिप्स ना मैं इस ब्लॉग में ऐड कर दूंगा, तो एक्चुअली मैं भी नहीं देख पाया, मैं शूट पे था, तो मैं भी उसे सुकून से बैठ के देखूंगा, पापा से पूछूंगा अभी कैसे बनाया क्या वो किया। आपका वेट कर रहे हैं ऊपर, उन्होंने सैंडविच बचा के रखे हैं आपके और मेरे लिए, ऊपर ही रखे हैं। मैं अभी गई थी 2 मिनट वॉशरूम जाने के लिए, तो कहते हैं आपने खाया, मैं शोएब को लेके आती हूँ, तो वो आपका वेट कर रहे हैं। वाह,
जो पीने वाला मिल्क शेक था दूध का, वो इतना अच्छा बनाया कि मैंने पिया, फिर थोड़ा आधा पापा ने भी पिया। तो अभी जाके हम सैंडविच खाएंगे। अच्छा हुआ जैक फॉलो नहीं किया मैंने। और बकायदा मतलब गाजर ग्रेट करने से लेके प्याज काटना, शिमला मिर्च काटना, सब पापा ने खुद किया है, आप देखना क्लिप्स में। तो पहले हम इसमें अभी चलेंगे, पापा से बात करेंगे, पहले क्लिप ऐड करूंगा, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। तो मजा आएगा। अच्छा लगा फ्लास? बहुत अच्छा। चलो बढ़िया, ये देखो। अच्छा अच्छा, ऐसे देख लेंगे, देख लेंगे। निकाल के तू? हाँ, ये बड़े भी थोड़ा दिखेंगे, छोटे कम दिखते हैं। इससे पहले जो मेरे पास ज्यादा दिखते नहीं थे, ये अच्छे कहते जो समझ आए वो ले लिया। पता नहीं कैसा, मैं बोला बहुत। मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया, निक्कू को भेजा, क्योंकि मैं तो शूट कर रहा था। निक्कू को भेजा उब्राय मॉल, वहाँ पे तनिष्क भेजा, उससे फोटो मंगवाई, सब करके फिर वैसे किया मैंने। अच्छे पसंद करे, बहुत बड़े अभी पसंद तो इनकी है। निक्कू फोटो भेज रहा था। अच्छा दिखते हैं पहने हो। क्या सुन रहा हूँ आज मैं, बनाया था। बड़ा अच्छा सरप्राइज प्लान किया आपने अम्मी के लिए वैलेंटाइन डे पे। हाँ सब बनाया था सब। कहाँ से दिमाग में आया आपके ये? हमारे दिमाग में, वो बताए थे ना सीता जी। अच्छा, बताए थे, हम बनाया हमने। मेहनत तो आपने की है ना? हाँ। I think जिंदगी में पहली बार किया होगा आपने ये ऐसे। हाँ। है ना? वो भी इतने खास दिन पे। क्या दे? आंटी बहुत खुश हो गए। क्या क्या बनाया? बेल और मिल्क शेक, सैंडविच। क्या बात है, हमें नहीं मिली खाने को। है ना, है क्या खाएंगे, खाएंगे। वो भी सैंडविच, स्पेशल वाला सैंडविच था। सैंडविच बेल, सैंडविच बेल। सैंडविच का शेप पूछो, सैंडविच का शेप कैसा है? दिल के जैसा बनाया है ना आपने। हाँ, दिल जैसा है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पहले मैं आपको सारी क्लिप्स ऐड करके दिखाऊंगा, पापा ने कितनी मेहनत करी। मैं भी देखूंगा, अभी आपको भी दिखाऊंगा कितनी मेहनत की, पापा ने कैसे बनाया है, उसके बाद मैं टेस्ट करूंगा। और ये जो सारी क्लिप्स हैं इनमें वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप देखें, क्योंकि एफर्ट्स जो हैं वो मैटर करते हैं, और पापा के सारे एफर्ट्स आप देखिए। We'll be right back.
आओ ये बनाया आपने, क्या बात कर रहे हो, आपने बनाया? क्या बनाया? अरे वाह, बहुत अच्छा है। पसीना छोड़ गया ना सर। ये फेल है। हाँ। मिल्क शेक। ये? मैं? नहीं ये है ना चॉकलेट है। अच्छा। चॉकलेट का टेस्ट आएगा। अल्लाह पहली बार जिंदगी में इतना मेरे लिए कुछ किया है, मुझे खुद नहीं पता कभी जिंदगी में कि एकदम घबरा गई, काहे के लिए बुलाया, कुछ काम कुछ तो भी तबीयत खराब हो गई। अल्लाह कब से हम लोग कितने देर से किचन में थे और खुद ने बनाया, आपको वीडियो दिखाऊंगी मैं। कैसे शुक्रिया ना करूं ससुर, यहाँ से आ रहा है कि मतलब आज जितने सालों के बच्चे हो गए, हम इतने बड़े हो गए, पहली बार जिंदगी में ऐसा दिमाग में उनके आया जिसका भी दिमाग हो जो भी हो, लेकिन मुझे बहुत दिल से अच्छा लगा। अल्लाह ने हमारी उम्र तुम्हें लगे कि आज जो बच्चों के जो बच्चों का दिन नहीं है, मुझे देख के मुझे ऐसा लगा लेकिन तुमने तैयार किया, इतना अच्छा लगा, इतना भी बता नहीं सकता है सबका अभी आप टेस्ट कर सकते हो। हाँ। और मैं निकल जाती हूँ। शीतल का भी शुक्रिया दिल से, उन्होंने किया नहीं, दिल से तुम्हारा भी शुक्रिया। नहीं तो बोलते ही नहीं ना, वो नहीं बोलते तो मैं क्या करती, उन्होंने कितने अच्छे दिल से किए उन्होंने। अभी एसी ऑन कर दो उनके लिए। आवाज ऐसा बहुत अच्छा। ये सब खा के देखो क्या टाइम हुआ, वही से खाओ लेके आई से खाओ, ये तोड़ अभी सब खा लीजिएगा। बच्चे से खाओ आप, तीन चार चीजें है, चिकन है, शिमला मिर्च है, प्याज है, चिकन है, कैसा है? अच्छा। अच्छा आपने बनाया अपने हाथों से? बहुत अच्छा। क्या है ये? बहुत चीजें पड़ी, काजू पड़ा है, हाँ, मिल्क दूध, ये शेप का सैंडविच, ओए होए, और ये भेल, ये भेल, क्या बात है। मतलब सैंडविच इसे मस्त एक वीक के अंदर की फिलिंग पूरी पापा ने बनाई है, ये गाजर काटना, शिमला मिर्च काटना, उसमें सब मिक्स करना, सब पापा ने किया है, सब किया। हाँ। क्या बात है, मिर्च गाजर सब और वो प्याज प्याज। हाँ। क्या बात है, तो बड़ा यम लग रहा है, उसकी खुशबू आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब डन, महीने में एक बार पापा ऐसे बनाएंगे, ठीक है? तुम टेस्ट करो। बहुत अच्छा बना पापा, ये तो आपने एक बाइट खा लिया, ये मैं आपको नहीं दे रही। नहीं सच में बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत ही। आपने टेस्ट किया कि नहीं? नहीं। अरे आपने भी टेस्ट नहीं किया अभी, क्यों? नहीं, हमने बोल लिया था मिल्क शेक बस। अच्छा थोड़ा टेस्ट करो। बहुत अच्छा बना है, हीक नहीं आ रही, जो आप बोलते हो ना हीक आती, हीक भी नहीं आ रही, बहुत अच्छा बना है। अच्छा बहुत ही, क्या बात है, वाह वाह वाह, जियो मेरे शेर। बढ़िया, टेलो कर लो, वॉक कर लो। हाँ जी, तो आ गया हूँ मैं वापस सेट पर, और ये था वैलेंटाइन डे का एक छोटा सा व्लॉग जो कि बहुत स्पेशल व्लॉग बन गया बिकॉज ऑफ पापा। पापा ने जिस तरीके से अम्मी के लिए सारी चीज़ें करी है, लाइक उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है, और यस उन्होंने किया शीतल के कहने पे, शीतल ने उनको पुश किया, बट उनके मन में एक चाह थी कि हाँ मुझे करना है। शीतल बता रही थी जब मैंने उनसे बोला कि आप वैलेंटाइन डे हैं, कुछ बनाओगे आप अम्मी के लिए, तो उन्होंने एकदम से बोला कि हाँ मैंने कभी कुछ किया नहीं है, मैं कुछ बनाना चाहूँगा। तो उन्होंने जैसे तैसे किया, सारी चीज़ें करी हैं, और अच्छा हुआ तो शीतल ने उसकी जो है वो क्लिप्स ले ली, तो मैंने आपको सबको दिखा दी हैं। तो बस ये था, और बस
कहते हैं ना कि इंसान के मन में चाह होनी चाहिए किसी के लिए कुछ करने की, फिर वो कैसे भी कुछ भी कर सकता है. एंड स्पेशल थैंक्स टू शीतल ऑल्सो, पापा को हर चीज़ के लिए इतना पुश करने के लिए, उनको ये एहसास कराने के लिए कि आज भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो थैंक यू शीतल. बस ये था, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं शूट पर बिजी रहता हूँ, चीज़ें नहीं हो पाती हैं पॉसिबल, आप सबको पता है. तो बस इस ब्लॉग को देखिएगा, अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ हंसी मजाक कीजिए, वक्त निकालिए उनके साथ बिताने के लिए. सबके लिए दुआ कीजिए और उस दुआ में हम सबको भी शामिल रखिए. जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़.